दिल्ली एनसीआर में दो दिन हुई हल्की बारिश का असर मौसम पर साफ पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें कमी आ गई है, साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और अभी भी प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज से मौसम एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से दिल्ली में कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। वहीं आज से आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में जोरदार ठंड पड़ेगी और ठिठुरन बढ़ जाएगी। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान बीच बीच बूंदाबांदी भी हुई। इसका असर रात के मौसम पर पड़ा और ठंड ज्यादा महसूस की गई। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 9.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हालांकि इसकी तुलना में आज दिल्ली एनसीआर के तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज कोहरा छाया रहेगा। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नोएडा में आसमान में बादल आज छाए रह सकते हैं, जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुरुग्राम में आज मौसम साफ रहेगा। वहीं सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और 304 दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI लगातार 400 से ज्यादा था, जबकि नोएडा में AQI अभी भी बहुत खराब है और 307 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में देखा गया है और 290 दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।